सो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट पर लॉक लग गया है और आप कितना ही उसको अनलॉक करना चाहते हैं और नहीं आपका फेसबुक अकाउंट चल रहा है, नहीं वो अनलॉक हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में एक नया तरीका लाए और जो बहुत सारे क्रिएटर का आप वीडियो देखे होइएगा जब भी आपका फेसबुक अकाउंट अनलॉक नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले एक नया तरीका लाया हूं, उस तरीका से फाइनली आप अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों फाइनली इस वीडियो को आप एंड तक देखें तभी आप अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आते हुए तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला दिखेगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का कोई भी नया नॉलेजेबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड, यानी कि आपका अकाउंट लॉक है। और कब हुआ था तो वहाँ पे सबसे नीचे दिखा रहा है 10 मार्च 2021 को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है गेट स्टार्ट का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट, यहाँ पे कन्फर्म योर इज योर अकाउंट, यहाँ पे आपको कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों वहां पे कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन खोजेगा वहां पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं आपको वहां पे दोस्तों। तो चलिए यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पे एक ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा कंफर्म योर आइडेंटिटी, यहां पे देख सकते लिखा हुआ है कंफर्म योर आइडेंटिटी, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक कर दिया हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है ऐड एंड ईमेल एड्रेस और अपलोड योर आईडी। यहाँ पे बोल रहा है कि कंफर्म करने के लिए कोई एक प्रूफ देना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। तो ईमेल आईडी पे सिलेक्ट करके फाइनली नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों ईमेल आईडी वाले पे सेक्शन पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जो अकाउंट में ईमेल आईडी दिए थे वो अकाउंट में वहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके साथ जो ऊपर ईमेल आईडी दीजिएगा वो नीचे कंफर्म ईमेल एड्रेस में भी देना है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों एक ही ईमेल आईडी दे देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं अपने ईमेल आईडी को फिलअप कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिलअप कर लिया, फिलअप करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर आईडी। यहाँ पे कोई इसमें से जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, यानी कि इसमें से जितना भी डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई एक अपलोड करना है। उसके लिए दोस्तों वहां पे फाइनली यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वहां पे जो लिस्ट देखे थे उसमें से कोई एक आपको प्रूफ अपलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने मन से जो प्रूफ वहां पे था वो प्रूफ को मैं अपना अपलोड कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों यहां पे अपलोड करने के लिए सिलेक्ट करना होगा, वहां पे चूज फाइल पे, चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट कर लिया हूं और सिलेक्ट करने के बाद यहां पे सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहां पे सबमिट कर देता हूं। यहां पे सबमिट करने के बाद यहां पे लिखा हुआ यू रिसीव योर इंफॉर्मेशन, यानी कि बोल रहा है कि आपका जो इंफॉर्मेशन था वो रिसीव कर लिया गया। उसके बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको पूरा बैंक आ जाना है और बैंक आने के बाद सिंपली वहां पे 24 घंटा के लिए इंतजार करना है और 24 घंटा के बाद फाइनली ऑटोमेटिक आपका रिकवर हो जाएगा अकाउंट, यानी कि जो आपका फेसबुक अकाउंट था ब्लॉक फाइनली आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आज का वीडियो आप लोग के लिए यही था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।